वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली है। खजुराहो संसदीय सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने जीत हासिल की। वहीं वीडी शर्मा ने यहां बहुजन समाज पार्टी के कमलेश कुमार को करीब 5 लाख वोटों के अंतर से हराया है। वहीं टीकमगढ़ में वीरेंद्र कुमार खटीक की जीत पर भाजपाई नेताओं ने जश्न मनाया।